अभी तक इस आंदोलन में क्या चला रखा था, सिर्फ पंजाब वाले हैं, सिर्फ पंजाब वाले हैं, पंजाब वाले ही आंदोलन कर रहे हैं। अब फंसी सरकार, सरकार ने ये गलती कर दी, हरियाणा वालों को छेड़ दिया। अब पूरा हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है, और जो भी राजनीतिक किसान संगठन है या SKM है, सबके लिए आह्वान हो चुका है, अब सबको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गुरुराम सिंह चडूनी ने ऐलान कर दिया है, भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जो प्रधान है गुरुराम सिंह चडूनी, उसने भी ऐलान कर दिया है कि हम आ रहे हैं, हम कोई नेता बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम जो भी ये आगू आदेश देंगे उस आदेश को मानेंगे। लेकिन आज इसारखेड़ी चोपड़ा के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर किसानों को गिरफ्तार करके सरकार फिर फंसी। बोला था ना, कहीं आप ये सोच रहे हो कि शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर ही किसानों को रोका हुआ है, इसार के अंदर आज क्या किया, क्यों यहां पर भी क्यों आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया गया, ये हरियाणा के किसान क्या कह रहे थे, इनके ऊपर भी वही बल प्रयोग किया गया। अब समय है अपनी एकता बनाने का, अपने एक हो जाओ, एक साथ उठ के आवाज दो, पहुंचो ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों पास और लेके चलो। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, फिर भी क्यों उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या अलग अलग करना चाह रहे हो, क्या नहीं कर पाओगे अलग, अब बिल्कुल एक साथ आएंगे और सभी एक साथ चलेंगे। गलत किया सरकार ने, ये बहुत ज्यादा गलत किया है जो ये कर रही, किसानों के साथ कर रही, बिल्कुल गलत कर रही और नाजायज कर रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी होगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे आंदोलन कर सकते हैं, फिर ये ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है भाई। और ये आंसू गैस के गोले, मतलब ये लाठी चार्ज, ये सब कुछ इसका तो मतलब एक खेल बना दिया है, खेल। हाँ, वो कुछ एक चिंटू मिंटू वीडियो बना रहे थे ना कि सिर्फ पंजाब के किसान आए, पंजाब के किसानों शादी कर, छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ खड़ा होगा, पूरा का पूरा हरियाणा। ये लो आप सुनो ऐलान। साथियों नमस्कार, साथियों आज हमारे ग्रुप की, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, और जो घटनाक्रम चल रहा है देश के अंदर, आंदोलन जो चल रहा है, उसके बारे आज जो फैसला लिया है वो ये फैसला लिया है कि SKM और नॉन पॉलिटिकल जो दो ग्रुप अलग अलग काम कर रहे हैं, और इनको, इनसे नेगेटिविटी जो है वो किसानों में फैल रही है कि इकट्ठे होके काम करना चाहिए, और सरकार भी इस वक्त जो है वो किसान आंदोलन पे हैवी है, और इससे जो है सरकार भी मानने के मूड में नहीं है। तो आज हमने फैसला लिया है कि हम दोनों पार्टियों के आगे, SKM और जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उन दोनों भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हमने 11 मेंबरी टीम बना दी है जो दोनों से संपर्क करेगी, टेलीफोनों पे भी संपर्क करेंगे कि आप दोनों इकट्ठे हो जाएं, और जो उधर से भी 2-3 आदमी दे दें, उधर से भी 2-3 आदमी दे दें, इकट्ठी कमेटी बना लें, इकट्ठा आंदोलन चले, और हम उसमें बिल्कुल छोटे बन के काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी उनकी कॉल होगी हम उस हर कॉल को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा ग्रुप, हम बिल्कुल मतलब जो है नम्रता से उनके आगे अपील करेंगे, और ये आज का फैसला है, और उसके आगे उम्मीद है कि दोनों हमारे भाई मानेंगे, और ये आंदोलन का जो है आगे रूपरेखा बदलेगी, और उसके बाद जो बाकी संगठन भी कहीं अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं उन सब को भी हाथ जोड़ के इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और आज खेड़ी चौपटा पे भारी लाठी चार्ज हुआ है वहां किसानों के ऊपर, हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार इस तरह से ना करे, अपना रवैया ठीक करे, इस तरह से अत्याचार, जैसे उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे जाके भी सिविल में भी लोग थे पकड़ के टांगे तोड़ी है, पीट पीट के बुरा हाल कर दिया है, एक आदमी को बॉर्डर से 2 किले पीछे गोली मारी है खेत में, और इस तरह से जो सरकार कर रही है ट्रैक्टर उनके तोड़ दिए हैं, आज वहां पे लाठी चार्ज कर दिया है। इन कामों पे सरकार जानबूझ के किसानों को भड़काना चाहती है और इस आंदोलन को उग्र करना चाहती है। हम एक बार अपील फिर करते हैं सरकार से कि इस तरह से करना बंद करे, वरना इसका रिजल्ट जो है सरकार के सामने अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल, आप इस बात के बारे में क्या कहते हो, आप कितने सहमत? बिल्कुल सही कहा है, अपनी नजर में बिल्कुल सही कहा गुरुनाम सिंह चडूनी ने, जो बोला ना बिल्कुल सही बोला है। अब समय है अपनी एकता बनाने का, अपनी एकता बना लो, और अब आएगा इस आंदोलन में मोड़ एकदम से अचानक से आएगा। सबको पता है जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठा मिलकर लड़ता है ना, तब सबको पता है ये बैरिगेट कुछ नहीं मिलता, फिर कुछ मिलेगा भी नहीं, यही बता दिया आपको। अब आंदोलन जितनी स्पीड से, जो पिछला आंदोलन देखा था ना अपने, उसी स्पीड से उठेगा आंदोलन, उसी स्पीड से। हम भी यही अपील कर रहे थे भाई, अपने एक हो जाओ, एकता का समय है, मत ऐसे टारगेटिंग करो। ये टारगेटिंग करते गए लेकिन ये बाज नहीं आते ना इन हरकतों से। आपको बोला था एक एक मिनट की आपको खबर देते रहेंगे आंदोलन की, जो भी खबर होगी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार क्या कर रही है, कोई भी आंदोलन की आवाज उठाए उसकी रीच रोक दो, वीडियो को रोक दो वहीं के वहीं, ताकि वीडियो आगे पहुंचे ही ना,
लेकिन अब आप लोग बताओ कि इसमें एकता बनाने का अब समय है, क्योंकि अपने भाइयों के साथ खड़े होने का समय, अपने भाइयों के साथ दो, उनके साथ खड़े हो जाओ उनके साथ। कितना रोकेगी ये सरकार, कितना वो करेगी? जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहे शांतिपूर्वक किसान अपना आंदोलन कर सकते हैं, फिर भी रोक क्या जा रहा है? कमाल की बात तो ये कि फिर भी रोक क्या जा रहा है? और अब ये समय नहीं है, अलग अलग होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। युवाओं से भी एक अपील है, जोश है, मानते हैं युवा के अंदर जोश होता, अच्छी बात है जोश आपके अंदर, लेकिन जोश के साथ उसका भी ध्यान रखना। ये लोग अपने में शामिल हो जाते हैं, सिविल ड्रेस में जो खड़े हैं उनके इंटरव्यू, उनके वीडियो, ये खेड़ी चोपड़ा वाले वीडियो सब कुछ है अपने पास, ये सबूत के तौर पर वीडियो इसलिए रखने पड़ते हैं, कल को ये और कोई ब्लेम लगाएंगे, क्योंकि अब भानमंडिया के दलालों को भी टारगेट दिया जाएगा कि इनका कुछ ना कुछ गलत दिखाना है, आंदोलन कर रहे किसानों का गलत दिखाना, वो गलत नहीं दिखाने दिया जाएगा, गलत बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाने दिया जाएगा। और हरियाणा पंजाब पहले भी एक थे, आज भी एक है, और एक होकर ही लड़ेंगे, जीत हमारी होगी। जब देखते एक फतेह करके चलती है ना, तो ये संयुक्त पंजाब ऑटोमेटिक ताकत बढ़ जाती है। जब अकाल पुरख की जय बोल के आप चलते हो ना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोल के जब आप बोलोगे, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बोल दिया ना मेरे भाई, तो फिर फतेह खालसा की होगी, खालसा की फतेह होगी। और खालसा का मतलब ये कुछ भी निकालो, खालसा का मतलब होता है शुद्ध और सच्चा। हर एक इंसान जो शुद्ध है, सच्चा है, जो हकों के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, हर वो बंदा खालसा है, हर एक वो बंदा। ये दिन को तो बस एक पहचान का टारगेटिंग कर दिया जाता, भाई पगड़ी होगी, डाडी होगी, बस वही खालसा। खालसा हर एक इंसान है, जो शुद्ध और सच्चा है वो खालसा है, ये बात आप याद रख लेना इस चीज को। और अब समय है अपने भाइयों के साथ खड़े होने का, उनके साथ खड़े हो, उनका सहयोग करो, सहयोग करो। ये दबाने की हर चेष्टा कर रहे हैं, हर एक चेष्टा कर चुके हैं ये, बस इनको का इनका काम है, इसको दबा दो, कैसे भी करके दबा दो, नहीं दबने दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दबने दिया जाएगा। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में ऐलान हो चुके हैं, अब सभी अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ, हमारे बड़े भाई आ चुके हैं। कब तक बॉर्डर पर रोकेंगे ये? अब नहीं रोक सकते ये, सभी एक दूसरे के संपर्क में रहो, फोन करके बातचीत करो, कैसे भी करो, दबना नहीं है, ना ही दबने देना है किसी को। और पंजाब हमेशा है ना, खालसा हमेशा हकों के लिए लड़ा है, सिर्फ ये नहीं अपने हकों के लिए, दूसरों के लिए भी लड़ा है। जो भी मुजलूम होता है उसके खड़ा होता है, खालसा खड़ा होता है, उसे खालसा कहते हैं, जो हक सच के लिए लड़ता है वो होता असली खालसा, होता गुरु का खालसा। और अब गुरु के खालसा सबका बनने का समय आ चुका है, सबका, उनका साथ दो, अपने भाइयों का साथ दो। कमेंट में अपनी राय जरूर रख देना, भाई ये सरकार दिखा थी बस, ये तो अलग अलग है जी, SKM अलग है, नॉन पॉलिटिकल SKM अलग है, कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। ये दिखाना चाह रहे ना कि सिर्फ पंजाब पंजाब वाले हैं, कल देखना वहां पे भीड़ देख लेना। आज जो हिसार में किया ना सरकार ने, गलतार फिर छेड़ दिया, ये गलतार पहले भी छेड़ती आई थी, अब फिर गलतार छेड़ रही है, जानबूझ के सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कोई किसान कभी भी वायलेंस नहीं करता आंदोलन के अंदर, कभी भी 13 महीने बैठ गए थे बॉर्डर पर, कोई वायलेंस नहीं हुआ था, तब भी इन्हीं की तरफ से होता था, आज भी इन्हीं की तरफ से हो रहा है। 2% मन्नू टन्नू है, ये काबू में नहीं आ रहे किसी के, काबू में आ जाएंगे अगर आपकी एकता मजबूत हो जाएगी तो। अपनी एकता को मजबूत करो, वीडियो को सभी के पास पहुंचा देना, कहीं ये सोच जाएं कि भाई बस सिर्फ पंजाब वाले बैठे, हरियाणा से कोई नहीं आ रहा, आ रहे हैं भाई अपने बड़े भाइयों का साथ देने के लिए, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, ऐलान हो चुका है, थोड़ा समय तो लगा लेकिन अभी भी आ रहे हैं, कोई बोलते हैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई है, अब सब मिलके चलेंगे मिलके। और हाँ, जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं उनका ध्यान पक्का रखना है, वो जो आंदोलन को खराब करने की पीछे भी कोशिश करते थे, अब फिर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का ध्यान पक्का रहना। और कमेंट करके अपनी राय दे देना भाई दोस्तों, ये जो ऐलान हुआ है ना बिल्कुल 100% सही ऐलान हुआ है, 100% सही ऐलान। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। दूसरा यूट्यूब चैनल है टीम दीपक फौजी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बैकअप चैनल इसलिए बना रखा है वो। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।